गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया, उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूँ, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है, ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, देखिए किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूँ, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार।